केजरीवाल पर कुमार विश्वास का तीखा हमला, केजरीवाल ने दिया करारा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता व मशहूर कवि कुमार विश्वास ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का बिना नाम लिए कहा कि शिशुपाल अभी 99 गलतियां कर ले, ईश्वर चाहेगा तो उद्धार भगवान श्री कृष्ण मेरे हाथों ही करवाएंगे। कवि ने ये भी कहा कि इस बार गलत छत्ते में हाथ डाला गया है और पंजाब इसके लिए जल्द ही सबक सिखा भी देगा। मालूम हो कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों में दर्ज FIR को बुधवार को खारिज कर दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुमार विश्वास ने कोर्ट, वकील, पंजाब की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, फैसले के आखिरी पैरा में कोर्ट ने साफ किया है कि यह मामला सत्ता के गलत इस्तेमाल का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरह दबा नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री को मैं ही पार्टी में लेकर आया था, दो बार वह मेरे पास इस्तीफा देने आए थे, दोनों ही बार मैंने उसे गले लगाकर कहा था कि तुम पंजाब का भविष्य हो, जल्दबाजी नहीं करो। भगवंत मान को तय करना है कि पंजाब वहां के युवा किसान चलाएंगे या फिर दिल्ली में बैठे हुए लोग चलाएंगे। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि पंजाब की 300 साल की लड़ाई है कि दिल्ली के किसी तानाशाह की औकात नहीं होती कि पंजाब को आंख दिखा सके। मुझे लगता है कि गलत छत्ते में हाथ डाला है और पंजाब जल्दी ही सबक सिखा देगा। मान से आग्रह है कि वे समय रहते हुए अपने स्वाभिमान को जागृत रखें। वहीं केजरीवाल पर हमला बोलने के लिए उनका नाम नहीं लेने को लेकर जब कुमार विश्वास से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी जीभ इस समय भगवान राम का नाम लेती है, मैंने आत्ममुग्ध कुंठित बौना कहा तो इसे सब समझ गए। शिशुपाल 99 गलती कर ले, ईश्वर चाहेगा तो उसका उद्धार भी भगवान कृष्ण मेरे हाथों ही करवाएंगे, अभी उसमें समय है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।